सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां एक तरफ अक्षरा और अभिमन्यु की शादी के कार्ड पर अक्षरा की जगह आरोही देखकर गुस्से से लाल होता है अभिमन्यु, तो वहीं दूसरी तरफ आरोही के कार का हो जाता है एक्सीडेंट, जिससे कहानी में आता है नया ट्विस्ट। जी हाँ, दरअसल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अभिमन्यु और अक्षरा की शादी के लिए जो कार्ड बनाया गया था वो मंदिर में था, लेकिन उस पर अक्षरा की जगह आरोही का नाम लिखा था। ये देखकर अभिमन्यु गुस्से में लाल हो जाता है। अभिमन्यु आरोही से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, शुक्र मनाए कि वो मंदिर में है, वरना आज जो हरकत उसने की है उसके लिए अभिमन्यु आरोही के साथ क्या करता ये उसे भी नहीं पता। वहीं आरोही ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है ये कहकर कि उसने जो कुछ किया उसके लिए और जो उसने नहीं किया उसके लिए भी वो माफी मांगती है। वहीं अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि एक दिन आरोही उनके जिंदगी के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी। के साथ ही सीरियल की कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट, जहां आरोही अक्षरा को ड्राइव पर ले जाती है और अक्षरा उसे पूछती है कि क्या उसने दवाई ली है, जिसके बाद आरोही अक्षरा को बताती है कि उसने एक नहीं बल्कि 3-4 दवाई खाई है। ये सुनकर अक्षरा शॉक्ड हो जाती है और फिर सीरियल की कहानी में दिखेगा हाई पॉइंट ड्रामा, जब आरोही के कार का हो जाता है एक्सीडेंट। बिल क्या आरोही ने जानबूझकर बदला था अक्षरा और अभिमन्यु की शादी का कार्ड? और इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में आगे आएगा कौन से नया ट्विस्ट, ये देखना दिलचस्प होगा।